सत्क्रिया बाबा जी नमः। ओम सिद्धक्रिया बाबा जी नमः। आपका जो गुरु जी है मृत्युंजयपुरी नाग बाबा जी, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। रात को मैं आपका किताब में पढ़ रहा था मानस सरोवर यात्रा के बारे में, आपने 12 बार जाके आया है। उसमें से आपका जो गुरु जी के साथ आपका जो यात्रा है, उनका जो इनिशिएशन है, रियली बहुत अच्छा लगा हमको। तो आपका गुरु के बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा गुरु का मतलब गुरु का नाम, गुरु का भाव आए तो मेरा बचपन से वही बोल रहा हूँ। अलग अलग रूप में अलग अलग नाम लेके मेरे जीवन में गुरु तत्व मुझे मिला है। गुरु तत्व मैं जीते जीते आ गया हूँ। लेकिन मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट रामकृष्ण मठ है तो एक स्थान। मेरा गुरु मैं बोल सकता हूँ साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, उनके साथ एक रिश्ता ऐसा आ गया, एक टर्निंग पॉइंट वो साई का तत्व में बचपन में। तो बाद में अलग अलग रूप, मृत्युंजयपुरी नागा बाबा भी और वो हरहर किरातगिरी नागा बाबा, जमुनागिरी नागा बाबा, ये लोग मुझे कैलाश यात्रा में मिला है। लेकिन मुझे साई का तत्व पकड़ा है, साई समर्थ सदगुरु, यूनिवर्सल मास्टर। सो उनका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत कुछ। वो भी एक मेरा के लिए एक मूर्ति मेरा ग्रैंड मदर दादी माँ लेके आई, घर में रख के 2-3 दिन रख के लेके चले गई। लेकिन वो मूर्ति, वो चेहरा, साईं बाबा का चेहरा, छोटा सा दाढ़ी, वो ऊपर एक कपड़ा बांध के, वो सब मुझे कैसे पकड़ा नहीं मालूम, एकदम फट मैं मर्ज हो गया। तो 2 दिन वो मूर्ति देखते देखते, लेकिन मेरे लिए मूर्ति जैसा नहीं, वो उन्होंने कुछ थोड़ी थोड़ी मुझे बताई ऐसा ऐसा है शिरडी साहब, कहाँ रहते बोले तो शिरडी में, शिरडी कहाँ है बोले तो नहीं बोल सकी वो, क्योंकि उस समय में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन वो चेहरा साईं बाबा का चेहरा देखा, देख के मुझे कुछ तो मुझे इतना अंदर से आ गया, मैं भी ऐसे पहनना। इमीडिएट वो शाम को जब वो मूर्ति देखा, उसी दिन में शाम में मैं मेरा माँ का एक ब्लाउज पीस था कर उसमें अंदर वो लेके मैं बांध के कोशिश कर लिया, मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी ऐसे रहूंगा। कुछ तो क्यों वो टेम्पटेशन, वो कंपैशन, वो पहन के रहे तो मेरा पिताजी ग्रैंडफादर ही स्टार्टेड शाउटिंग, बिकॉज एज ए वैदिक ब्राह्मण वी शुड नॉट फॉलो, वी शुड नॉट सी दैट मुस्लिम, साईं बाबा बोल तो उस समय में मुसलमान। So he shouted and he started trying to beat me also. He is also following. He is देखो देखो कितना गंदा हो रहा है ऐसे। लेकिन मेरे जीवन में वो साई का चेहरे देखना वो मुझे जीवन में पकड़ा गया। So इसलिए always I say शिरडी साई बाबा is my living guru. अनुभव भी ऐसा बाद में थोड़ा मैं डिग्री पास होने के बाद, डिग्री के लिए विजयवाड़ा आने के बाद मंदिर में साई बाबा मंदिर में जाते जाते आरती उतारना, आरती गाना, ये सभी मुझे एक एक कदम साईं का तत्व में साईं के साथ जुड़ गया मैं। सो बाद में मेरा अंदर साईं बाहर साईं। सो इसलिए साईं का प्रभाव, साईं इज माय एवरीथिंग। सो कैलाश जाने से पहले, बहुत सालों से पहले से मैं साईं को मैं मान के मैं वो फॉलो करते करते आया। सो इसलिए कैलाश यात्रा में साईं अलग अलग रूप लेके वो रास्ते में मुझे एक एक डिफिकल्टी सिचुएशन में एक बहुत संघर्ष, क्योंकि पैदल जाना इज इट सो इजी, पैदल कैसे जाऊँ, रास्ता कुछ भी नहीं मालूम, जस्ट आई गॉट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पकड़ के मैं चलते चलते गया। लेकिन वो सच है, वो सही रास्ता है, कौन कंफर्म कर सकते, लोग नहीं मिलेगा, जस्ट गो ऑन वॉकिंग कुछ भी। लेकिन ये आज मैं मुझे जाओ बोले तो नहीं जा सकता, आई कैनॉट गो नाउ, एक ऐसा वक्त आ गया, चलो जाओ बस, एक मेस्मराइज जैसा, एक खींच ले, कैलाश ऐसे मुझे चुंबन जैसा खींच के लेके गया शिवजी का शक्ति। इसलिए चलते रहा
मैं मेरा अनुभव लिखा हूँ, मैं मेरा इंग्लिश किताब भी मिलता है अभी अमेजन में है, इनक्वेस्ट ऑफ सेल्फ बोल के कैलाश यात्रा किताब है, अभी 8 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गया। वो यात्रा में मैं जो यात्रा नहीं मैं मेरे कैसे कौन मुझे लेके गया, बाद में और 2 बार पैदल गया, बाद में मैं दूसरा रास्ते से काठमांडू होके 9 बार गए, टोटल 12 बार हुआ। लेकिन फर्स्ट टाइम व्हेन आई गो व्हेन आई वॉकिंग वॉकिंग गोइंग सो सब कुछ तो आ रहे जा रहे, कुछ तो आ रहे जा रहे, कोई मिले तो मिले घोड़े वाले, नहीं मिले तो कौन मेरे साथ में, किसी के बारे में सोचा भी नहीं, कोई नहीं बोल के भी मैं महसूस भी नहीं किया। दैट मीन्स कम्प्लीटली पूर्व जन्म का सुकृत साई का आशीर्वाद और मैं बन के गया। सो आज मैं नहीं हूँ, कुछ माया पकड़ा हूँ, बाद में बहुत कुछ माया पकड़ने लगा क्योंकि समाज में रहने से। लेकिन उस समय ऐसे एक एक बच्चे जैसा बचपना पकड़ के मैं चलते चलते गया। वो कैलाश का यात्रा का वो शुरुआत मुझे ऐसे हुआ है। इसलिए मैं कभी भी सोचता हूँ कि आदमी कुछ पाना बोले तो कुछ खोना चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए। सो मुझे कोई कोई ना कोई व्यक्ति छोड़ दिया तो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा नया आदमी आने वाला है मेरे जीवन में। कुछ चीज खो गया तो कुछ नया चीज मुझे मिलने वाला है। आज 10 रुपए खत्म हो गए तो कल 100 रुपए आने वाला है, ये मेरा जीवन में अच्छा लग रहा है। कोई आई तो ये लोग गए तो अच्छा होता ना, दूसरा आदमी आता है कभी कभी ऐसा है तो लोगों को गुस्सा आता है, हमको जाओ बोल रहे क्या, नहीं 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 अच्छा है। आप भी ऐसे सोचो, बी प्रिपेयर्ड फॉर लूजिंग, सो व्हेन यू लूज माया यू विल गेट मुक्ति। दैट वे दैट जर्नी व्हेन आई एम पासिंग एक एक कदम कैलाश के तरफ दाल के चलते चलते कितना किलोमीटर्स है, हजारों किलोमीटर, वी कैनॉट काउंट ऑल्सो। जस्ट कैलाश जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, कब आई डोंट नो, कहां कैलाश आई डोंट नो, जाते के गारंटी है क्या आई डोंट नो। कितना स्टेटस मुझे भगवान और यूनिवर्स और ये काल का प्रभाव बहुत जीवन मेरे जीवन में, वही आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। सो दैट वे कैलाश का यात्रा, वहाँ वो रास्ते में ये हर हर किरातगिरी बाबा नागा बाबा, मृत्युंजय नागा बाबा, जमुनागिरी नागा बाबा, ये लोग नागा बाबा लोग मिले तो हर एक नागा बाबा मेरे लिए साई बाबा, मेरा साई बाबा। उस वक्त उस समय में उस टर्निंग में उस डिफिकल्टी सिचुएशन में वो रूप लेकर आया, साथ दिया, कुछ सिखाया, कुछ बोला, कुछ तो समय बिताया, चले। सो बाद में 2 बार गया, वो लोग नहीं मिला। आई आस्क्ड इंक्वायर्ड नोबडी, वी हैव नॉट सीन, ऐसे लोग वहां बोले ताकलाकोटे में ऐसा कोई नहीं दिखा। मैं फोटो भी दिखाया, हर एक जगह में मैं फोटो लेते रहा। दैट इज माई लकीएस्ट थिंग, आई कैरीड कैमरा, मैनुअल कैमरा। सो हर एक जगह में हर एक व्यक्ति हर एक फोटो लेते लेते गया मैं, तो बहुत अच्छा याद है मुझे, इतना इम्प्रिंट बाहर भी अंदर भी इम्प्रिंट हो गया। सो किसी को भी पूछे तो भी हम नहीं मिले बोलते। एक मृत्युंजयपुर नागा बाबा के साथ हिमालय में नेपाल से उन्होंने मुझे लेके आया, हैडकान बाबा में बिठाया और मैं कैलाश लेके जाऊंगा बोल के वहां जाके छोड़ दिया, यही कैलाश बोल दिया, प्रथम कैलाश को बड़ा कैलाश बोल दिया। मैं क्या करूं, लेकिन उनका फोटो मैं नेक्स्ट ईयर अगले साल जाके दिखाई तो ऐसा कोई नहीं आया बोलते। अरे इधर ही फोटो दी, बैकग्राउंड है उसी स्थान में हम फोटो लिया है, लेकिन वो नहीं आया बोल रहे, तो फिर कौन आया, कैसे हम, मैं किसके साथ मैं रहा। दैट इज हाउ साई बाबा और महावतार बाबा जी, बाद में मुझे मालूम हो गया एक एनर्जी, दोनों दो नाम से एक ही एनर्जी, वो एक ही एनर्जी मुझे अलग अलग रूप लेके, कभी कभी मेरा दोस्त भी बनते वो लोग, मेरा गर्लफ्रेंड भी बनते, कुछ भी बनता है वो लोग, जहाँ जो जरूरत है वो रूप लेके आ रहे। इसलिए चुंजेपुर नागा बाबा और हर हर किरातगिरी नागा बाबा, दे आर नथिंग बट साई बाबा फॉर मी, बिकॉज साई इज माई बेस, माई ब्लड। इसलिए वो मैनिफेस्टेशन, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मोमेंट्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, दैट इज हाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग सेम साई बाबा इन टू मैनी 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 farms, thousands of farms. इतना सारा रूप में आके हमको मदद करते हैं ये स्वामी जी से हम सीख सकते हैं। शिरडी साई बाबा ही मेरा गुरु है, वही बाबा मुझको उस समय से लेकर अभी तक मेरा साथ रहे हैं, मुझको चला रहे हैं, और जो भी मुझको मदद करने के लिए आते हैं वो शिरडी साई बाबा का ही रूप है, यही बाबा जी ने हमको कहा है। तो गुरु के साथ हमेशा हम ऐसा ही रहना चाहिए, हम गुरु को पकड़ के रखना चाहिए, तभी हमको गुरु का जो कृपा है हमको मिलते हैं। For further information and blessings,
लाइक कमेंट।